नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये जो आमला हेयर ऑयल की सीसी आती है, नेचर एब्सोल्यूट आमला हेयर ऑयल की। ये 220 ml की सीसी है और ये 200 या 250 रुपए की पड़ती है, कम ज़्यादा प्राइस होता रहता है। इस जो सीसी है, इसका मैंने पहले वीडियो डाला था अनबॉक्सिंग का। अब मुझे कम से कम 3-4 महीने हो चुके हैं इसे लगाते यूज़ करते हुए। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि हमारे बालों के लिए ये जो तेल है ये फ़ायदेमंद है भी या नहीं भी, क्या इससे मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या मुझे इससे नुकसान हुआ। मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मुझे इसे यूज़ करते हुए कम से कम 4-5 महीने हो चुके हैं। और मैंने भी यूट्यूब पर देख कर, मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होते हैं उनमें ही स्पॉन्सर जो वीडियो रहता है उससे देख कर मैंने ये सीसी मंगाई थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका मेरे बालों के ऊपर क्या मतलब असर पड़ा, क्या नहीं पड़ा। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सीसी है मैंने इसलिए मंगाई थी, क्योंकि मेरे बालों में क्या था, डैंड्रफ बहुत था, अभी भी है, और मतलब मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। तो इसलिए मैंने ये ऑयल मंगाया था, आमला हेयर ऑयल। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इस पे जो लिखा रहता है कि ये सीसी बिल्कुल केमिकल फ्री है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो सीसी है ये बिल्कुल केमिकल फ्री रहता है, इसमें ऑयल कुछ भी मिला हुआ नहीं रहता। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं, डैंड्रफ अगर आपके बालों में है तब आप ये सीसी मंगा रहे हैं, तो इससे डैंड्रफ तो नहीं जाता है, या किसी और भी जो ऑयल होता होगा उससे भी नहीं जाता होगा, क्योंकि डैंड्रफ मुझे था, है अभी भी, डैंड्रफ नहीं जाता है। लेकिन इससे जो बाल जो रहते हैं वो ठीक रहते हैं, और ऑयल से मुकाबले बढ़िया ऑयल है, बहुत अच्छा ऑयल है, क्योंकि इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे बाल पहले से बहुत कम हो गए हैं, बहुत झड़ रहे थे, लेकिन मैंने जब से ये ऑयल यूज़ किया है ना, तो डैंड्रफ तो गायब नहीं हुआ, लेकिन मतलब बालों में बहुत वॉल्यूम बढ़ा है। पहले मतलब पतले से हो गए थे मेरे बाल, लेकिन जब से मैं इसको लगा रहा हूँ ना, यूज़ कर रहा हूँ, तब से मेरे बाल मतलब पहले से बेटर हो गए हैं। लेकिन मेरे बाल पूरी तरह ठीक इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये जो डैंड्रफ है ये नहीं जा रहा है। अब ये इसमें इस ऑयल की गलती नहीं है, डैंड्रफ मेरे नेचुरली मेरे बालों में है पहले से, मतलब जो भी है दिक्कत है मुझे डैंड्रफ की। लेकिन आपको अगर डैंड्रफ की दिक्कत नहीं है, सिर्फ बाल टूट रहे हैं, तो आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा नेचुरल ऑयल है, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। मैंने खुद यूज़ किया और ये 4-5 महीने में इतना ही कम क्यों लगाया, आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे बाल जो है बहुत छोटे हैं और मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ तेल का, मतलब मैं कम लगाता हूँ बालों में तेल, इसलिए मुझसे ये अभी तक इतना ही खाली हो पाया है। तो देखिए, और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ नहीं है ना, तो ये जो ऑयल है ये बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके बालों के लिए, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है, आमला का ऑयल है तो होगा ही। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है वो जा नहीं रहा है, तो आप इससे ये उम्मीद मत रखिएगा कि आपका डैंड्रफ चला जाएगा। हो सकता है चला भी जाए, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग स्कैल्प रहता है, तरीका मतलब सब कुछ अलग रहता है, तो क्या पता आपका चला जाए। मेरा तो नहीं गया था, डैंड्रफ तो है अभी भी मेरे बालों में, लेकिन वैसे बाल बहुत बढ़िया रहते हैं, टूटना बंद हो गए हैं मेरे बाल। अब मैं आपको बताऊं कि पहले तो टूट रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब टूटते नहीं, इतना नहीं झड़ते, मतलब पहले झड़ रहे थे, बहुत सारे झड़ रहे थे पहले तो, लेकिन अब इतना नहीं झड़ते हैं। और जो बाकी की प्रॉब्लम वो तो डैंड्रफ से है, वो डैंड्रफ जब ख़त्म होगा तभी वो बाल सही हो पाएंगे, वरना और वैसे और सब मामले में ये ऑयल बहुत ही अच्छा है। जो भी ऑयल इस तेल का रिव्यू मांग रहे थे, मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि आप बिना झिझक के इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी साइड इफ़ेक्ट तो आपको बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपका जो हेयर ऑयल है, मतलब आपके जो बाल हैं, अगर टूट रहे हैं ना, तो आप इसका यूज़ कीजिए, आपके टूटना तो बंद हो जाएंगे, लेकिन जो होता है डैंड्रफ, उसका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा भी नहीं गया डैंड्रफ। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इसको आप ख़रीदिए अगर आपको ज़रूरत है इस तेल की, ऑयल की, क्योंकि ये जो ऑयल है बिना किसी केमिकल का है, इसमें कुछ भी केमिकल नहीं मिला हुआ है, और बहुत बढ़िया ऑयल है। इसका जो रेफ़र था वो रेफ़र मेरे से हट चुका है, क्योंकि
मैं थोड़ा हटा दिया मैंने मजे में इसलिए। तो और क्या बताऊँ मैं आपको, देखिए दोस्तों कि इसमें ना आपके बाल चिपचिपे ज़्यादा नहीं रहते, और जो ऑयल लगाते हैं ना अपन उसमें मतलब बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे रहते थे, लेकिन इसमें इतना चिपचिपापन नहीं रहता, मतलब एब्जर्व हो जाता है हमारे बालों में और कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं आती। तो आज का रिव्यू इतना ही ख़त्म करते हैं, बाकी और भी आपका अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। और जिन भाइयों और बहनों ने कमेंट किया था पिछली वीडियो पे, उनका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास अभी इतना, देखिए ये जो मोबाइल है ना इससे मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास के मतलब माइक नहीं है अभी, तो धीरे अभी बजट कम है थोड़ा, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने दो, थोड़ा ऐसे में से आएंगे ना जब थोड़ा बढ़ाएंगे, इसलिए अभी आप इसी में एडजस्ट कीजिए। और मेरे सभी बहन भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत है ना, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप इसी ऑयल का यूज़ कीजिए, बहुत बढ़िया ऑयल है। और जो अब मेरे बाल देख रहे हैं ना, मैं इतने छोटे छोटे बाल रखता ही हूँ, देखो मेरे बाल तो बड़े हैं लेकिन मैं इस तरह से हेयर स्टाइल करता हूँ, मतलब इसलिए छोटे लगते हैं, लेकिन बढ़िया ऑयल है, आप यूज़ कीजिए लीजिए। ऑनलाइन मंगाया था मैंने, ये जो मुझे 250 रुपये का पड़ा था शायद, कभी कभी प्राइस कमी भी हो जाती है, 225-230 इतने का मिल जाता है, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। अगर आपके मार्केट में, आपके पास के मार्केट में मिल जाए ना, तो आप वहाँ से भी ले लीजिएगा, सस्ता मिल जाएगा जी आपको, वैसे बढ़िया ऑयल है। बस इतना ही कहना चाहूँगा और आज की वीडियो हमसे यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। तो धन्यवाद, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगर आगे भी मेरी वीडियो आती रहेंगी जो भी आपको ज़रूरत हो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।